बात इंडस्ट्री के कैसे खलनायक की जिनके दमदार एक्टिंग के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। उनके दमदार अदाकारी के चलते लोग उन्हें असल जिंदगी में भी खलनायक समझने लगे थे। लोगों में उनका डर इस कदर था कि उन्होंने अपने बच्चों का नाम तक प्राण रखना बंद कर दिया था। फिर किसी कैदी ने भड़का दिया है क्या? हाँ, है कैदी। सांप से खेलने वालों को यह याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के काटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम। खामोश! लूट मार करना हमेशा पाप है। कि ये धर्मात्मा लोग कभी कभी भगवान को भी धोखा देते और ऊपर से गाते हैं, मैं मूर्ख क्या जानू मैंने क्या खोया क्या पाया। प्राण जैसा खलनायक बॉलीवुड में दूसरा कोई नहीं हुआ। लेकिन पिया जी, इस बात की क्या गारंटी है कि इतना पैसा लेकर आप बेईमानी नहीं? बेईमानी करता है जो सबके अड्डे पर बेईमानी, निकल जाए यहाँ से। कितने सितारे आए और कितने गए, लेकिन प्राण का मुकाबला कोई नहीं कर पाया है। दर्जनों फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने वाले प्राण को फैंस उनकी सदाबहार अदाकारी के लिए याद करते हैं। प्राण साहब ने फिल्म उपकार से फिल्मों में कदम रखा है और देखते ही देखते रुपहले पर्दे पर खलनायिका की दुनिया के बादशाह बन गए। एक्टर प्राण को दशकों तक खलनायक के तौर पर जाना जाता रहा, और ऐसा हो भी क्यों ना, जब पर्दे पर उनकी खलनायिका इतनी संजीव प्रतीत होती थी कि लोग उसे ही उसकी रियल छवि मानते रहे। हिंदी सिनेमा में कई बार खलनायकों ने नायकों से ज्यादा काम कराया। प्राण भी उनमें से ही एक अभिनेता थे। अपने शानदार अभिनय से नेगेटिव रोल को प्राण ने सही मायने में पर्दे पर जिया, जबकि असल जिंदगी में वो बेहद सादगी पसंद इंसान है। 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में बसे इस रईस परिवार में प्राण का जन्म हुआ। बचपन में उनका नाम प्राण कृष्ण सिकंद था। प्राण बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे। बड़े होकर उनका फोटोग्राफर बनने का इरादा था। 1940 में जब मोहम्मद वली ने पहली बार पान की दुकान पर प्राण को देखा तो उन्हें फिल्मों में उतारने का सोचा और एक पंजाबी फिल्म यमला जट बनाई जो बेहद सफल रही। फिर क्या था, इसके बाद प्राण ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। महाशय स्पेशल ऑफिसर, हमने तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं किया। तुम दोनों भारत के जासूस हो। हमारे देश में जासूसों की सजा मौत। 1947 तक वो 20 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे और एक हीरो की इमेज के साथ इंडस्ट्री में काम करते रहे थे। हालांकि लोग उन्हें विलन के रूप में देखना ज्यादा पसंद करते थे। प्राण सिगरेट के धुएं से गोल गोल छल्ले बनाने में माहिर थे। फिल्म निर्देशकों ने इसका खूब इस्तेमाल किया। उनकी फिल्मों में ये दृश्य आम था। प्राण ने अमिताभ और देवानंद के साथ कई फिल्में की जिसमें उनके करियर को और अधिक ऊंचाई मिली। प्राण को 3 फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला और इसी के साथ कई फिल्मी अवार्ड से प्राण को नवाजा गया। प्राण ने बॉलीवुड की लगभग 350 फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। बॉबी, मधुमती, खानदान, औरत, जिस देश में गंगा बहती है, हाफ टिकट, उपकार, पूरब और पश्चिम, डॉन और जंजीर उनकी कुछ मशहूर फिल्में हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1969 से साल 1982 के बीच राजेश खन्ना के बाद प्राण ही एकमात्र ऐसे कलाकार थे जिन्हें सबसे ज्यादा मेहनताना मिलता था। 2001 में प्राण को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें फिल्मी दुनिया का अजीबोमशान बादशाह कहा जाता है। अपने रौबदार आवाज से लोगों को पर्दे पर भयभीत करने वाले प्राण ने अपनी कॉमेडी से लोगों को काफी मनोरंजित भी किया है। आज फिर किसी कैदी ने भड़का दिया है क्या? हाँ,
है कैदी। सांप से खेलने वालों को यह याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के काटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम। खामोश। लूट मार करना हमेशा पाप है। कि ये धर्मात्मा लोग कभी कभी भगवान को भी धोखा देते और ऊपर से गाते हैं मैं मूर्ख। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV। क्या खोया क्या पाया।